हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजश्री और मेरे चैनल क्रोशे जेमिनी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको ये सिंपल डिज़ाइन टेबल क्लॉथ कैसे बनाते हैं ये दिखाऊंगी। हम इसे टेबल क्लॉथ के साथ साथ थालपोश और आसन के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। इस टेबल क्लॉथ को मैंने मेरे पास जितनी भी बची हुई ऊन थी उससे बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस टेबल क्लॉथ में टोटल 6 साइड्स हैं, तो यहाँ पर ये एक कॉर्नर से इसके ऑपोजिट के दूसरे कॉर्नर तक इसका जो डायामीटर है ये 36 इंचेस है। यहाँ पर मैंने 4 प्लाय में मीडियम थिकनेस की मिक्स कलर्स में स्क्रैप वुल ली है। हमारे पास जो भी कलर्स हो हम ले सकते हैं। क्रोशे का 5 mm का हुक लिया है और कैंची ली है। टेबल क्लॉथ के लिए सबसे पहले हम रेड धागे से मैजिक सर्कल बनाएंगे। अगर आपको मैजिक सर्कल सीखना हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मैजिक सर्कल के वीडियो की लिंक दी है, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। ये हमारा मैजिक सर्कल बन गया। अब यहाँ पर हम फर्स्ट राउंड को ट्रेबल क्रोशे में बना रहे हैं और पहले ट्रेबल क्रोशे के लिए हम 4 चेन बनाते हैं। तो ये 1, 2, 3 और ये 4, ये हमारा पहला ट्रेबल क्रोशे स्टिच बन गया। अब इसके बाद हम एक चेन बनाएंगे। इस फर्स्ट राउंड में हम टोटल 12 ट्रेबल क्रोशे बनाएंगे और हर ट्रेबल क्रोशे के बीच में एक एक चेन बनाएंगे। तो यहाँ पर ये दूसरा ट्रेबल क्रोशे, अब फिर से एक चेन, अब फिर से हम तीसरा ट्रेबल क्रोशे बनाएंगे। अब हम इसी पैटर्न को इस फर्स्ट राउंड में रिपीट करेंगे। मैंने फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर मैंने 12 ट्रेबल क्रोशे और बीच में एक एक चेन बनाई है। अब हम धागे के इस सिरे को खींच लेंगे। इसके बाद अब हम सबसे लास्ट में ये एक चेन बनाने के बाद फर्स्ट और लास्ट स्टिच को ज्वाइन करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर सेकेंड राउंड को ग्रीन धागे से बनाएंगे। तो यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाने के लिए हम ये जो हमारे पास फर्स्ट स्टिच है और ये लास्ट स्टिच है, तो यहाँ पर हमने फर्स्ट स्टिच के लिए 4 चेन बनाई है। ये 1, 2, 3 और ये 4। तो इस चौथी चेन में हम क्रोशे के हुक को डालेंगे और अब हम इस ग्रीन धागे को स्लिप स्टिच करते हुए इन दोनों स्टिचेस में से निकाल लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हम सेकेंड राउंड के लिए ग्रीन धागे को ज्वाइन कर लेंगे। अब हम इस रेड धागे को काट लेंगे। सेकेंड राउंड के लिए हम सबसे पहले ये जो एक चेन की स्पेस है यहाँ तक एक बार स्लिप स्टिच बनाएंगे। हमें इस पैटर्न को हर राउंड में रिपीट करना है। जब भी हम राउंड शुरू करेंगे तो हम पहली स्पेस तक एक बार स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब यहाँ पर हम सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे। सेकेंड राउंड से हम डबल क्रोशे स्टिच में ही इस पैटर्न को बनाएंगे। अब यहाँ पर हम इस स्पेस में टोटल 2 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। 3 चेन मिलाकर पहला डबल क्रोशे बन गया है और ये दूसरा डबल क्रोशे। अब हम एक चेन बनाएंगे। अब इसके बाद की जो एक चेन की स्पेस है इसमें हम कॉर्नर बनाएंगे और कॉर्नर के लिए हम 2 डबल क्रोशे, एक चेन और 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशे बन गए, एक चेन और 2 डबल क्रोशे। इस टेबल क्लॉथ में हम टोटल 6 कॉर्नर्स बनाएंगे। तो यहाँ पर अब ये दूसरी स्पेस में हमने एक कॉर्नर बना लिया, अब एक चेन। अब तीसरी स्पेस में हम फिर से 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये 1 और ये 2। अब फिर से एक चेन। अब इसके बाद अगले कॉर्नर के लिए हम 2 डबल क्रोशे, एक चेन और 2 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। ये हमारा दूसरा कॉर्नर बन गया। हमें इसी पैटर्न को इस पूरे सेकेंड राउंड में रिपीट करना है, जिससे कि हमारे पास टोटल 6 कॉर्नर्स बन जाएंगे। ये इस तरह से सबसे पहले 2 डबल क्रोशे, एक चेन, फिर ये एक कॉर्नर, फिर से एक चेन, 2 डबल क्रोशे, एक चेन और ये दूसरा कॉर्नर। तो अब मैं इस सेकेंड राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ। मैंने सेकेंड राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर ये जो फर्स्ट और लास्ट स्टिच है हम इन्हें स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइन कर लेंगे। थर्ड राउंड को भी हम ग्रीन धागे से ही बनाएंगे। तो यहाँ पर अब हम थर्ड राउंड के लिए सबसे पहले ये जो पहली एक चेन की स्पेस है यहाँ तक एक बार स्लिप स्टिच बनाएंगे, क्योंकि हम इस पैटर्न को एक चेन की स्पेस में ही बनाते हैं। तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे। ये हमारा पहला डबल क्रोशे स्टिच बन गया। अब हम इसी एक चेन की स्पेस में एक और डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। थर्ड राउंड में भी हम इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। अब एक चेन बनाएंगे। अब ये जो पहला कॉर्नर है
इस कॉर्नर में ये जो एक चेन की स्पेस है इसमें हम दो डबल क्रोशे, एक चेन और दो डबल क्रोशे बनाएंगे। इस पैटर्न में हम हमेशा कॉर्नर की जगह कॉर्नर बनाएंगे और बाकी की एक चेन की स्पेस में दो दो डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। इस टेबल क्लॉथ का पैटर्न बहुत ही सिंपल है, हमें हर राउंड में स्टिचेस को बढ़ाते हुए इसी पैटर्न को रिपीट करना है। तो यहाँ पर ये पहला कॉर्नर बन गया, अब एक चेन, अब ये जो अगली एक चेन की स्पेस है इसमें दो डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। अब हम एक चेन बनाएंगे, अब फिर से ये जो अगली एक चेन की स्पेस है इसमें दो डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमारी स्टिचेस भी बढ़ रही हैं और हमारा टेबल क्लॉथ भी बड़ा बन रहा है। अब हम एक चेन बनाएंगे और ये जो अगला कॉर्नर है इस एक चेन की स्पेस में फिर से हम दो डबल क्रोशे, एक चेन और दो डबल क्रोशे बनाएंगे। तो यहाँ पर ये हमारा दूसरा कॉर्नर भी बन गया, ये इस तरह से। हमें इसी पैटर्न को इस पूरे टेबल क्लॉथ में रिपीट करना है। सेकेंड राउंड में हमने दो कॉर्नर्स के बीच में एक बार दो डबल क्रोशे बनाए हैं, तो थर्ड राउंड में हमने दो कॉर्नर्स के बीच में दो बार दो दो डबल क्रोशे बनाए हैं। हमें इसी तरह से इस पैटर्न को रिपीट करना है। अब यहाँ सबसे लास्ट में हम इस पहली और आखिरी स्टिच को ज्वाइन करते समय स्लिप स्टिच करते हुए इस येलो धागे को ज्वाइन कर लेंगे। फोर्थ राउंड हम येलो धागे से बनाएंगे। फोर्थ राउंड के लिए ये जो पहली एक चेन की स्पेस है यहाँ तक हम एक बार स्लिप स्टिच बनाएंगे। फोर्थ राउंड में सबसे पहले हम तीन चेन बनाएंगे, ये हमारा पहला डबल क्रोशे बन गया। अब हम इसी स्पेस में एक और डबल क्रोशे बनाएंगे, अब इसके बाद हम एक चेन बनाएंगे, अब अगले कॉर्नर में हम एक चेन की स्पेस में दो डबल क्रोशे, एक चेन और दो डबल क्रोशे बनाएंगे। अब यहाँ पर एक चेन बनाने के बाद हम ये जो अगली एक चेन की स्पेस है इसमें दो डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। इस पैटर्न में हम एक चेन की स्पेस में दो दो डबल क्रोशे और कॉर्नर के एक चेन की स्पेस में दो डबल क्रोशे, एक चेन और दो डबल क्रोशे बनाएंगे। अब यहाँ पर मैं इस फोर्थ और फिफ्थ राउंड को येलो धागे से पूरा करूँगी। इस पैटर्न में हम अलग अलग कलर्स को राउंड्स में यूज़ कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पर अब मेरे पास जितनी भी बची हुई ऊन है मैं उन सबका इस पैटर्न में यूज़ करूँगी। हम इस पैटर्न से बड़े या छोटे किसी भी साइज़ में इस टेबल क्लॉथ को बना सकते हैं। यदि हमारे पास पतली ऊन बची हुई है तो हम डबल धागा लेकर उसका यूज़ इस टेबल क्लॉथ के पैटर्न में कर सकते हैं। तो अब मैं इस टेबल क्लॉथ डिज़ाइन को कम्प्लीट कर लेती हूँ। मैंने इस टेबल क्लॉथ को कम्प्लीट कर लिया है और यहाँ पर मैंने टोटल 19 राउंड्स बनाए हैं। स्क्रैप यार्न प्रोजेक्ट्स में एक टिप ये है कि हमें हमेशा कम क्वांटिटी की वुल को पहले यूज़ कर लेना चाहिए और ज़्यादा क्वांटिटी की वुल को बाद में यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे राउंड्स बढ़ेंगे वैसे हमें ऊन भी ज़्यादा लगेगी। यहाँ पर मैंने इसी टेक्निक से इस टेबल क्लॉथ को बनाया है। अब यहाँ इस टेबल क्लॉथ को हम यहाँ पर भी फिनिश कर सकते हैं, लेकिन मैं इस टेबल क्लॉथ में बॉर्डर बनाऊँगी। तो बॉर्डर के लिए हम क्रीम धागे को यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे और अब हम सबसे पहले 8 चेन बनाएंगे। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। अब हम इस 8 की चेन को, ये जो बीच में एक स्पेस है इसे हम स्किप करेंगे और अगली एक चेन की स्पेस में सिंगल क्रोशे से ज्वाइन करेंगे, ये इस तरह से। अब यहाँ पर इसके बाद हम फिर से 8 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। अब हम फिर से अगली ये जो एक चेन की स्पेस है इसे स्किप करेंगे और अगली एक चेन की स्पेस में इसे सिंगल क्रोशे से ज्वाइन करेंगे। हमें इसी पैटर्न को इस पूरे राउंड में रिपीट करना है। तो अब मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ। मैंने बॉर्डर के फर्स्ट राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर सबसे लास्ट में हम एक चेन की स्पेस में सिंगल क्रोशे बनाते हुए इस 8 की चेन को ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ सेकेंड राउंड की एजिंग के लिए हम 4 बार स्लिप स्टिच बनाएंगे, क्योंकि ये जो सेकेंड राउंड है इसको हम इस 8 चेन के सेंटर से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर अब हम 4 बार स्लिप स्टिच बना लेंगे
और ये चौथी बार। सेकेंड राउंड की एजिंग को हम सेंटर से शुरू करेंगे। अब यहाँ पर हम 8 चेन बनाएंगे, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। अब हम ये जो अगली 8 की चेन है इसके बीच में सिंगल क्रोशे से इस पहली 8 की चेन को ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर हमें स्पेस में सिंगल क्रोशे बनाना है, स्टिच में नहीं। अब हम फिर से 8 चेन बनाएंगे, और ये 8। अब फिर से सिंगल क्रोशे से अगली 8 की चेन में इसे ज्वाइन कर लेंगे। तो अब मैं इस सेकेंड राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ। अब यहाँ सेकेंड राउंड के लास्ट में ये जो 8 की चेन है, यहाँ पर हमने इस राउंड की शुरुआत करते समय जो 4 स्लिप स्टिच बनाए थे, तो हम इसी स्टिच में स्लिप स्टिच करते हुए इस 8 की चेन को ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर हम एक राउंड या 3 राउंड्स भी बना सकते हैं। मैंने इस पैटर्न में टोटल 8 की चेन के 2 राउंड्स बनाए हैं। अब यहाँ पर हम धागे को काट लेंगे और बचे हुए धागों को सिल लेंगे। इसके बाद हम इस टेबल क्लॉथ में लटकन लगाएंगे। मैंने इस टेबल क्लॉथ में लटकन लगा लिए हैं और हमारा ये जो टेबल क्लॉथ है ये बहुत सुंदर दिख रहा है। यहाँ पर मैंने अल्टरनेट कलर्स में लटकन को लगाया है। हम अलग अलग कलर्स में भी इन लटकन को लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो 8 चेन की स्पेस है इसमें हमें लटकन को कैसे लगाना है। हमारा टेबल क्लॉथ कंप्लीट हो गया है। लटकन लगाने के बाद ये बहुत अच्छा दिख रहा है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए।